वेलकम व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी एंड हियर आई एम फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें देखिए आपको रैशनलाइजेशन भी यूज करनी पड़ सकती है, आइडेंटिटीज भी यूज करनी पड़ सकती है टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है साइन 30 प्लस टैन 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। नाउ सबसे पहले हमारे पास यहाँ टेबल देख रहे हैं एंड इनकी वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करते हैं। अब साइन 30 आपके पास है 1/2, सो आई एम राइटिंग 1/2 प्लस टेन 45। देखिए आप, इट इज टेन 45 इज 1, सो आई एम सब्सटीट्यूटिंग 1 हियर। माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 आप देखिए यहाँ पे इट इज 2/√3, सो हमने यहाँ डाल दिया 2/√3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आइए, सीकेंट 30, secant 30 is 2/√3 plus cosec 60. cosec 60 की वैल्यू देखिए टेबल में, cosec 60, cosec 60 हियर इज 2/√3, सॉरी दिस इज cos 60, तो cos 60 की वैल्यू देखिए 1/√2 प्लस cot 45, cot 45 आपके पास कितना है, cot 45 आपके पास है 1। सो ये हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली। अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, राइट। अब न्यूमरेटर में यू कैन सी द एलसीएम एज 2√3, क्योंकि आपके पास यहाँ 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ √3 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब हम 1 के नीचे 1 ले सकते हैं। ऑल राइट, नाउ अब आपके पास 2√3 है, सो आपके पास क्या बचेगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, क्योंकि यहाँ √3 है, सो ऑलरेडी यहाँ √3 एलसीएम में है, तो यू आर लेफ्ट विद 2, सो यू विल मल्टीप्लाई 2 विद द न्यूमरेटर, सो यू विल गेट माइनस 4। अब हम डिनोमिनेटर पे चलते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए आपको एलसीएम क्या मिलता है, हेयर ऑल्सो यू आर गेटिंग द एलसीएम एज 2√3, सो यहाँ पे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब यहाँ पे तो आपने सिंप्लीफाई कर दिया, सब्सटीट्यूट करी वैल्यूज, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। यहाँ पे देखिए ये न्यूमरेटर पार्ट है आपका एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर पार्ट। अब यहाँ पे भी आपके पास एलसीएम 2√3 है, यहाँ पे भी एलसीएम 2√3 है, तो जब आपको मालूम है, जब आप डिवाइड करते हैं, आपके पास ये फ्रैक्शन है और आप इसको दूसरे फ्रैक्शन से लेट्स से सी बाई डी से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जो सेकेंड फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, राइट। सो इस केस में भी जब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो आप 2√3 और 2√3 को कैंसिल कर सकते हैं, सो यू विल बी लेफ्ट विद √3 प्लस 2√3 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3, करेक्ट। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यूमरेटर में आपके पास √3 दो टर्म्स में है, you are having √3 in this term as well as this term, so आप √3 को कॉमन ले लीजिए। सो √3 को कॉमन लेने से क्या होगा, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर पाएंगे। √3 अगर मैंने कॉमन ले लिया सो आई एम लेफ्ट विद 1 प्लस 2 इनसाइड द ब्रैकेट्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में चेक कीजिए, डिनोमिनेटर में भी आपके पास दो टर्म्स ऐसी हैं जिसमें √3 है, सो हम यहाँ पे भी √3 को कॉमन ले लेते हैं। सो √3 जब आपने कॉमन लिया यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस 2, करेक्ट। सो यहाँ पे देखिए दिस इज 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रैशनलाइजेशन पढ़ा था रियल नंबर्स चैप्टर में, आपने क्या देखा था कि रैशनलाइजेशन हम वहां करते हैं जहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में रूट्स में नंबर आ जाए, अब उसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन को यूज करेंगे। सो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद द रैशनलाइजेशन, इट सेज 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। अब रैशनलाइज जब हम करते हैं तो हम कॉन्जुगेट लेते हैं, जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है हम उसको सेम रखते हैं बट जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको याद होगा कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच वॉज ए प्लस बी और ए माइनस बी,
और एक और आइडेंटिटी हमने करी थी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये सब आप एट्थ में कर चुके हो और हमने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में भी इसको देखा था. ऑलराइट, नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. सो अब हम इन आइडेंटिटीज को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे देखिए, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, बिकॉज आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है. सो ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या बन गया, ए माइनस बी जो होगा वो बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आप दो बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको. करेक्ट. सो अब देखिए हम आगे फर्दर स्टेप कैसे करेंगे. हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट वुड बी, वी बी यूजिंग दिस आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर. सो आपके पास ए क्या है, अभी ए जो है आपके पास वो है 3√3 माइनस बी जो है आपके पास वो है 4. तो इसका स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में यू हैव ए दिस 3√3 एंड बी इज 4, हियर ऑल्सो ए. सो दिस इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. सो ए प्लस बी ए माइनस बी के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए आपके पास है 3√3, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस बी स्क्वायर इज 4. अब इसको फर्दर सॉल्व करना है आप. सो पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं. राइट, सो डिनोमिनेटर इज 3√3 का स्क्वायर. 3√3 का स्क्वायर मतलब आप 3√3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो आपको मालूम है कैसे करते हैं इसको, 3 टाइम्स 3 विल गिव यू 9 और √3 × √3 होता है आपके पास 3. सो दिस विल गिव यू 27. सो आई एम राइटिंग 27, आई एम सॉल्विंग दिस पार्ट. नाउ 4 का स्क्वायर आपको मालूम है 16 है, सो विल राइट 16 हियर. करेक्ट. अब देखते हैं कि न्यूमरेटर में हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लगा रहे हैं 3√3 का स्क्वायर, दैट शुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो ए स्क्वायर हमने यहाँ सॉल्व किया ऑलरेडी 3√3 का स्क्वायर विच विल गिव यू 27. राइट, नाउ प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 2 टाइम्स a टाइम्स b. करेक्ट. सो अब इसको आगे देखते हैं क्या होगा, 27 प्लस 16 आप कर रहे हैं यू विल गेट 43 माइनस, ये आपके पास हो गया 6, और देखिए ये 2 टाइम्स 3√3 टाइम्स 4. सो 4 2 8 8 3 24, सो ये हो गया 24√3. सो यहाँ आपको मिल गया 24√3 और डिनोमिनेटर में आपके पास है 27 माइनस 16. सो 27 माइनस 16 आपको क्या दे देगा, दैट विल गिव यू 11. ठीक है, अब देखिए ये आप आपका डिनोमिनेटर से रूट के नंबर हट गया है और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास न्यूमरेटर में भी कुछ भी कॉमन नहीं है. सो हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं.